उन्हीं की सफलता चाहते हैं। दिक्कत यह है कि इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में इंसान आराम से सफल होना चाहता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप कोई भी चीज आराम से प्राप्त करना चाहते हैं, यानी आप प्राप्त करना ही नहीं चाहते हैं, राइट? अगर कोई भी चीज आप आराम से हासिल करना चाहते हैं, यानी आप हासिल करना ही नहीं चाहते। जिस चीज से मोहब्बत होती है उस चीज में मेहनत का पता नहीं चलता। जिस चीज में सच में मोहब्बत है आप जितनी मेहनत करेंगे उतना खुश हो जाएंगे। अगर आपकी मेहनत से आप थकते हैं आप मजदूर हैं। अगर आप इधर यात्रा करके आए ना और थक गए ना, मजदूर हैं अभी आप। यू हैव अ लेबर माइंडसेट, यू वर्क फॉर 8 आवर्स एंड यू गॉट टायर्ड, यू हैव लेबर माइंडसेट। नौकरी करने वाले 8 घंटे से पहले ही 7वें घंटे में ही घड़ी देखने लगते हैं, दे गेट टायर्ड। धंधा करने वाला रात 2 बजे धंधा करता है और पूरी ऊर्जा के साथ वो काम कर रहा है, रात 3 बजे वो अपने कंपनी में काम कर रहा है। अगर मोहब्बत होगी तो मेहनत थकाएगी नहीं, और अगर मोहब्बत नहीं है तो मेहनत तुम्हें कभी बड़ा बनाएगी भी नहीं, राइट? हमेशा याद रख, मोहब्बत चाहिए। कहां से मोहब्बत कितनी? मुझे बोलना था साहब, मुझे एक बात समझ में आ गई। सर ने कहा कि जिंदगी में जो कुछ भी पाना चाहते हो पहले देखो कि तुम्हें मिल गया है। और यही मोनू लखे स्टेडियम पटना के अंदर मई और जून का टाइम, जुलाई का टाइम, कुत्ता भी नहीं होता था, और मैं जाकर वहां बोलता था, लेडीज एंड जेंटलमैन, हाय, दिस इज आशीष कुमार तिवारी, इसमें फेल होते टुडे। उधर से कोई उसको लगता पगला गया क्या, ना लेडीज ना जेंटलमैन। 2010 आई वॉज इन नासिक महाराष्ट्र ऑन द स्टेज ऑफ फेसिंग 30,000 and 40,000 पीपल, राइट? 2010 में 40,000-50,000 लोग, और मैं बोल रहा था लेडीज एंड जेंटलमैन, हाय, दिस इज आशीष कुमार तिवारी। और विश्वास मानिए, सफलता आनंद नहीं देती, सफलता आनंद नहीं देती। सफलता के लिए जो संघर्ष किया गया है वही संघर्ष आनंद में परिवर्तित होता है। आपको संघर्ष याद आता है? आप जब संघर्ष करके, जब इंसान 10 साल रोड पे चल के और 11वीं साल में अपनी कार लेगा ना साहब, तो जब वो कार निकालने जाएगा तो उसकी आंखों में आंसू, और जब वो कार रात में चलाएगा ना तो कभी कार वहां रोक देगा और रोड पे पैदल चलेगा थोड़ा, और पैदल जब चलेगा तो वो रोड को याद दिलाएगा, बहुत चला हूं तेरे ऊपर, देख तेरी औकात लगा दी, ये देख कार खड़ी है मेरी, रही उसका मजा अलग है। जब आप मेहनत करके कोई चीज लेते हैं उसका मजा, क्योंकि मेहनत में आनंद है। आपको लगता है उपलब्धियों में आनंद है, उपलब्धियां तो क्षणिक आनंद देती है, जो परमानेंट आनंद है वो तो संघर्ष का है। और मैं आपसे इतना कहूंगा कि इस मौके को ऐसे मत जाने दीजिएगा। जिंदगी में कई मौके आए होंगे और हाथ से निकल गए होंगे, इससे पहले भी आप कहीं जुड़े होंगे और छूट गए होंगे, इससे पहले भी कुछ ट्राई किया हुआ होगा और नहीं हुआ होगा, राइट? मैं चाहूंगा कि इस मौके को ऐसे हाथ से मत जाने दीजिएगा जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो काम करने की नशे में है। और सफलता एक नशा है, दीवानगी है, अमीरी एक दीवानगी है। अगर आप अमीर बनने के लिए अपने अंदर दीवानगी नहीं पैदा कर पाए हैं, जुनून नहीं पैदा कर पाए हैं, तो पैसा कभी नहीं आएगा आपके पास, शांति आएगी, शांति आएगी। और भारत में सिर्फ शांति ही है, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? आत्मा अजय अमर। और मुझे लगता है ये तब बोलना चाहिए था जब अकाउंट में 5 करोड़ रुपया हो कि मैं पैदल इसलिए चल रहा हूं ताकि पर्यावरण में धुआं ना फैलाऊं। तेरे पास साइकिल की औकात नहीं और तू आदर्शवादी इंसान बन रहा है, ये सही नहीं। लॉजिक्स शुड नॉट बी यूज्ड टू डिफेंड योर वीकनेस। अगर तर्क का इस्तेमाल अपनी कमजोरियों को बचाने में आप कर रहे हैं तो आप खुद को मूर्ख बना रहे हैं। बी रिच। अगर आप किसी ऐसे सिस्टम के साथ जुड़ के करोड़ों रुपए नहीं कमाते हैं आपने बेईमानी की सर। अगर आप ऐसे सिस्टम के साथ जुड़ के अपने सपनों को पूरा नहीं करते आपने बेईमानी की साहब, यू वर डिसऑनेस्ट। मेरे पिता ने मुझे एक बात सिखाई, हमें विरासत से 2 चीजें मिली, मैं आपको बताता हूं। पहला, पापा ने बोला मेहनत करना बेटा, जो भी काम करना मेहनत करना, क्योंकि इंसान की इज्जत नहीं होती उसके काम की इज्जत होती है, तो मेहनत बहुत करना, राइट? He told me this. The second thing he taught me that remain honest
ईमानदार रहना, 2 रुपए कमाना ईमानदारी से कमाना, बेईमान मत बनना। सो बी ऑनेस्ट, जो भी काम करना 100% करना, वरना मत करना। और मेरी माँ ने मुझे सिखाया, रिमेंबर गॉड, ईश्वर को याद करते रहना। और मैं आपसे कहता हूं कि जहां दुनिया की कोई चीज काम नहीं आती, वहां खुदा काम आ जाता है, राइट? वहां ईश्वर काम आ जाता है। आई हैव दीज 3 एसेट्स इन माई लाइफ, ऑनेस्टी, हार्ड वर्क एंड गॉड, एंड आई वॉन्ट टू गिव इट टू यू, राइट? रिमेन ऑनेस्ट। आप यहां बैठे हैं 100% बैठे हैं कि नहीं, दिस इज ऑनेस्ट। आप किसी को सुन रहे हैं 100% सुन रहे हैं कि नहीं, दिस इज ऑनेस्ट। आप अपना काम कर रहे हैं 100% कर रहे हैं, दिस इज ऑनेस्ट। आपने तालियां बजाई 100% बजाई, ये दिस इज ऑनेस्ट। हर छोटी चीज आपकी ऑनेस्टी को डिफाइन करेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई इंसान जिसका कमरा बहुत खराब है उसकी जिंदगी बहुत सुंदर हो, ऐसा नहीं होगा। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसका कमरा भी बढ़िया मिलेगा आपको, राइट? छोटी छोटी चीजों से पता चल जाएगा कि इंसान कैसा है, उसकी जिंदगी कैसी होगी, उसके विचार कैसे होंगे। मैं चाहता हूं कि आज जब आप यहां से जाएं तो एक आग लेके जाएं, वो बातें लेके ना जाएं जो आपको दुखी आत्मा बनाती है। मैंने आज खाना नहीं खाया बिकॉज आई वॉज लेट, नॉट लेट फॉर द सेशन, आई अराइव्ड हियर अराउंड 11, बट आई स्टार्टेड डूइंग चैंटिंग, सो बिकॉज आई डिड नॉट डू चैंटिंग आई डिड नॉट ईट। तो अगर आप सच में यहां से कुछ लेके जाना चाहते हैं तो इस बात को लेके जाइए कि आज ये मंच और ये ऑडिटोरियम का मैं सिर्फ एक हिस्सा हूं। आज इस ऑडिटोरियम में मैं कौन हूं शायद लोग नहीं जानते, आज इस ऑडिटोरियम में मुझे हर इंसान नहीं पहचानता, लेकिन अगर मैं सच में लीडर हूं तो आने वाले इस 8 महीनों में, जब तक ये साल समाप्त नहीं होता, यानी उससे पहले मैं कुछ ऐसा करूंगा कि ऐसे ऑडिटोरियम का हिस्सा नहीं रहूंगा, कारण रहूंगा, पहचान रहूंगा, उसकी पहचान बनूंगा, राइट? मैं यहां रहूंगा। आप में से कितने लोग सच में मंच पे आना चाहते हैं और मंच की जिंदगी जीना चाहते हैं? आपको पता है, आप कितना भी पैसा कमा लें, सिर्फ पैसों से सम्मान नहीं मिलता। बहुत अमीर लोग, सम्मान तब मिलता है जब आप लोगों के लिए काम करें।